हेलो एवरीवन, अभी तक आपने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आप सीख चुके हैं, डॉम एपीआईज किस तरीके से वर्क करती हैं वो आप सीख चुके हैं, ओके। सो काफ़ी सारे ऐसे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट अभी क्लियर है, पर किसी भी सीरियस एप्लीकेशंस बनाने के लिए आप लोगों को एपीआई कॉल करना आना चाहिए। एपीआई कॉल्स हम लोग करेंगे तभी हम लोग डायनेमिक डेटा बैकएंड से एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़र को बता सकते हैं, पर उसके लिए आपको सर्टन कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जानें कि किस तरीके से हम लोग को एपीआई कॉल कर सकते हैं। इसके लिए क्रड ऑपरेशंस होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रड, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। सो ये चार ऐसे ऑपरेशंस होती हैं जो हम लोग इन सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। सो ये वीडियो में हम लोग उसके बारे में सीखेंगे और हैकरन्यूज़ क्लोन बनाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम है जो हम लोग, मैं आपको किस तरीके से हम लोग आगे इसको प्रोसीड करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके आगे किस तरीके से हम लोग इस पर वर्क करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं क्लाइंट है और राइट हैंड साइड में सर्वर है। सो क्लाइंट, अभी जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, वो क्लाइंट होता है और उसमें मेनली आप देख सकते हैं या तो ब्राउज़र होती है या तो एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं या आईओएस ऐप्स होते हैं, ओके। सो ये जो रिक्वेस्ट सेंड करती हैं सर्वर के पास, और सर्वर मेनली जो है आप नोड, पाइथन, जावा, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप सर्वर बनाते हो, ठीक है। सो ये जो आउट ऑफ स्कोप है इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर हम लोग जो ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो क्लाइंट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इनमें। सो क्लाइंट बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, और रिक्वेस्ट के सर्टन टाइप्स होती है जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करके, ओके, सर्वर जो एक सर्टन रिस्पॉन्स सेंड करता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये रिक्वेस्ट सबसे पहले क्लाइंट करता है और उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करके हम लोग को क्लाइंट सर्वर जो है एक सर्टन रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है। सो अभी रिक्वेस्ट कितने टाइप की है, तो रिक्वेस्ट आप समझ सकते हैं कि इतने टाइप्स की रिक्वेस्ट होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्रड ऑपरेशंस, जैसे आप सी का माना है क्रिएट, आर का माना है रीड, यू का माना है अपडेट और डी से डिलीट, ठीक है। सो अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट जो है, ये बेसिकली एक्चुअल नाम है उस टाइप्स के, और इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो टाइप्स क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है, वो हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऑपरेशन क्रिएट करना है, जैसे आपको माने कुछ ब्लॉक क्रिएट करना है, तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करोगे क्योंकि आपको क्रिएट करना है। अगर क्लाइंट को कोई डेटा गेट करना है, आपको कोई डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप गेट रिक्वेस्ट सेंड करोगे क्योंकि आपको रीड करना है। उसी तरीके से आप एग्जिस्टिंग है उसको आपको अपडेट करना है, तो पुट रिक्वेस्ट सेंड करोगे और डिलीट के लिए डिलीट। सो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा था, बिकॉज ये एक्सप्लेन करने से ज़्यादा आपको जब हम लोग कोड लिखेंगे तो काफ़ी कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग जो हैकर न्यूज़ क्लोन बना रहे हैं वहाँ पर हम लोग गेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बिकॉज हम लोग वहाँ पर डेटा गेट कर रहे हैं सर्वर से, ठीक है। सो आज चलिए हम लोग उसको अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग APIs है, और काफ़ी सारी APIs है हैकर न्यूज़ के लिए, पर हम लोग ये APIs का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो इस API endpoint पर हिट करेंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और अगर किसी भी URL को इस तरह के, अगर ओपन URL से अगर आप इसको कॉपी करोगे, ओके, और एक नए टैब ओपन करोगे आप यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दोगे और आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पर, तो जिस एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेटा दिख गया। यहाँ पर जेसन व्यूअर करके मैंने एक प्लगइन क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया, इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और मे भी आपको शायद इतना अच्छा नहीं दिखे, आपके केस में भी इस तरीके से दिख सकता है क्योंकि मैंने क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड की, इस तरीके से थोड़ा प्रिटी फॉर्मेट में यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी ये है कि जब भी आप कोई URL कॉपी पेस्ट इस तरीके से करते हो तो ब्राउज़र बाई डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं गेट रिक्वेस्ट सेंड किया इसने और हम लोगों को रिस्पॉन्स में डेटा यहाँ पर मिला। तो इसको हम लोग देखें कि ये जो अब डेटा आपको आया है इससे हम लोग रिस्पॉन्स करें, बिकॉज ये डेटा हम लोगों को मिला है, ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट हमने सेंड किया इस पर्टिकुलर URL पे। तो अभी प्रोजेक्ट, ओके, सो अभी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ और मैं उसका नाम देता हूँ हैकर न्यूज़, ओके, और ये फोल्डर फिलहाल के लिए एम्प्टी है, और यहाँ पर मैं VS कोड यूज़ करूँगा। आप कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाईली रिकमेंड करूँगा कि VS कोड को आप डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें। और मैं ओपन फोल्डर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और वो प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्टी है, कुछ भी यहाँ पर हम लोगों को कोई भी फाइल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यू फाइल पे क्लिक करके, और यहाँ पर मैं फाइल बनाऊँगा वो index.html, ठीक है। सो इंडेक्स और HTML में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फिलहाल के लिए एम्प्टी है। मैंने एक्सक्लेमेशन की दबाया और टैब दबाया, जैसे मैं टैब दबा देख सकते हैं बॉयलर प्लेट यहाँ पर बना करके दे देगा, जो बेसिकली बेसिक HTML कंटेंट है जो हम लोगों को लगेगा अपने लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा custom.js, जो हमारा जावास्क्रिप्ट होगा जहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग इधर लिखूँगा,
स्क्रिप्ट सोर्स, और मैं उस फाइल का यहाँ पर लिंक दे दूँगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस यहाँ पर अटैच है और कस्टम डॉट जेएस यहाँ पर अवेलेबल है, और सिंपली मैं इधर अलर्ट इस तरीके से लिखता हूँ। हाय ओके, और यहाँ पर जो है इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ ओपन इन ब्राउज़र। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो आप सिंपली इसको ओपन कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई दिखाई देगा, बिकॉज वो मतलब कि जो हमने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है वो प्रॉपरली रन हो रहा है। ओके, सो हम लोग अभी यहाँ पर एपीआई कॉल करने के लिए, हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई कॉल करते हैं, राइट, पर हमारे प्रोजेक्ट में एपीआई कॉल करने के लिए हम लोग एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे। और एक्सियोस जो है आप देख सकते हैं एक रिपो है जिसे यूज़ करके हम लोग एपीआई कॉल ईजिली कर सकते हैं। बिना एक्सियोस के भी आप एपीआई कॉल कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए होता है, पर लेकिन इस ये पैकेज यूज़ करके हम लोग काफ़ी ईजिली एपीआई कॉल कर पाएंगे। ठीक है, सो हम लोग जो है इसको यूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, पर हम लोग जो यहाँ पर तरीका यूज़ करेंगे वो है स्क्रिप्ट के थ्रू। डायरेक्ट हम लोग ये स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे, और ये स्क्रिप्ट ऐड करने से ये कोड हमको अवेलेबल रहेगा, हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इंडेक्स और एचटीएमएल में यहाँ पर मैं हमारे कोड के पहले यहाँ पर मैं उस स्क्रिप्ट का पेश कर दूँगा। हमारे कोड के पहले लिखना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा कोड में एक्सियोस अवेलेबल नहीं रहेगा। हमको चाहिए कि हमारे कोड रन होने से पहले एक्सियोस का कोड रन हो, और हमको एक्सियोस अवेलेबल रहे, हम लोग उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पर कस्टम डॉट जेएस में अभी हम लोग को एक्सियोस अवेलेबल रहेगा। सो यहाँ पर अभी मैं एक्सियोस को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, उसे देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर कंसोल लॉग यूज़ करूँगा, और एक्सियोस को यहाँ पर कंसोल लॉग कर देते हैं देखने के लिए कि हम लोगों को अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो यहाँ ब्राउज़र में आते हैं, और मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, और इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट में ओपन करूँगा, और कंसोल टैब यहाँ पर मैं आता हूँ। आप देख सकते हैं कंसोल टैब यहाँ पर एक होता है, मैं उस पर आता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को कोई एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक्सियोस यहाँ पर लोड हुआ है। अगर एक्सियोस लोड नहीं होता तो यहाँ पर किसी तरह का कोई एक एरर होता। ठीक है, सो एरर नहीं है, इसका मतलब कि एटलीस्ट हमारा जो कोड लिखा है एक्सियोस का जो कोड लिखा है प्रॉपर चल रहा है। इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने एडिटर में आते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोगों को एपीआई कॉल करना है। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैकेज के बारे में मालूम होना चाहिए, एक्सियोस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी पैकेज के बारे में जानने का, वो है उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपको आना चाहिए। आइए चलिए हम लोग इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्सियो डॉट गेट। ओके, सो इस तरीके से आपको यूआरएल पास करना है, और देन में हम लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों को एक्सियोस डॉट गेट, और ये गेट फंक्शन के अंदर हम लोगों को यूआरएल पास करना है। वो यूआरएल कौन सा है जो हम लोगों को यहाँ पर मिला है, तो सिंपली मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैं यूआरएल यहाँ पर पेश कर दूँगा। आप ये देख सकते हैं ये यूआरएल बहुत सारे तरीके से हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर एपीआई कॉल्स हैं जो आप यूज़ कर पाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको यहाँ पर जा करके देख सकते हैं कि कौन सी एपीआई के साथ आपको प्ले ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने एपीआई कॉल यहाँ कर दिया है, और डॉट देन हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी डॉट देन क्यों? बिकॉज हम लोग जब भी एपीआई कॉल करते हैं कहीं पर भी, तो उसका दो नतीजा आ सकता है, या तो रिक्वेस्ट रिजॉल्व हुई है मतलब कि हमको प्रॉपर डेटा मिला है, या वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है मतलब कि किसी तरह का एरर आया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को दोनों ही केस के लिए हमेशा कोड लिखना होता है, बिकॉज हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो रिक्वेस्ट हम जो कर रहे हैं वो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो हम लोग दोनों के लिए कोड लिखते हैं कि एरर आए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स है हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो एरर का आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मे बी सर्वर डाउन है, हमने प्रॉपर एपीआई कॉल नहीं किया है। सो बहुत सारे रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि हमको एरर आए। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर डॉट देन फंक्शन होती है और एक डॉट कैच फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो डॉट देन फंक्शन जो होता है उसके अंदर आप जो फंक्शन पास करोगे, ओके, उसमें जो है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा जब वैलिड रिजल्ट आया तब। और डॉट कैच में इसमें आप वो फंक्शन पास करोगे कि जब एरर आए तो। सो ये फंक्शन जो है यहाँ पर आपने पास किए हैं तब रन होगा जब प्रॉपर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमको मिला है, और ये फंक्शन तब रन होगा जब किसी तरह का एरर आया। सो एरर के लिए सिंपली यहाँ पर मैं एरर को यहाँ कैच कर लेता हूँ पैरामीटर में, और मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर। मैं फिलहाल के सिर्फ एरर कर देता हूँ। यूजुअली लोग किसी तरह का नोटिफिकेशन देते हैं, कोई पॉपअप देते हैं, किसी तरह का कोई एक टोस्ट जैसा कोई यूआई देते हैं ताकि बताने के लिए यूज़र को कि एपीआई कॉल कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी तरह कोई एरर है, पर हम लोग फिलहाल कंसोल लॉग कर रहे हैं। ओके,
और इस देन में यहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। ओके सो ये देन में हम लोगों को प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसको भी फिलहाल के लिए मैं कंसोल लॉग करता हूँ देखने के लिए कि वो रिक्वेस्ट प्रॉपर गई है या नहीं गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओके और मैं कंसोल टैब में इधर आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ओके और ये ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेटा है और उस डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक 30 वैल्यूज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये 30 जो है यहाँ पर मतलब कि इसका जो लेंथ है, और 30 हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मिले हैं और इसके काफ़ी सारे एट्रीब्यूट भी हमें देख पाएंगे। पर हम लोगों को कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ नेटवर्क टैब में आएंगे, नेटवर्क टैब में, और मैं आप उसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें देख पाओगे कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट सर्वर को की हैं। जैसे HTML के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर के लिए कि हम लोग इंडेक्स और HTML चाहिए, वो फिनिश हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर API कॉल गया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके और अक्सी उसके लिए भी अलग अलग API कॉल गई बिकॉज एक्चुअल कोड के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर API कॉल गया हुआ है और इसको फिल्टर आउट आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं XHR पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं आप सिर्फ एक ही बताएगा बिकॉज वही उस टाइप का रिक्वेस्ट किया है। और मैं उस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में हम लोगों को यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। सो आपको कंसोल लॉग करने की भी ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर नेटवर्क टैब में देख सकते हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब कि एटलीस्ट पहला टास्क तो हमारा हो गया कि हम लोग ने API कॉल किया और API कॉल करके डेटा हम लोगों को मिल गया। अब दूसरा टास्क ये है कि हम लोग इस API कॉल से जो डेटा हमको मिला है ये यूज़ करके हम लोगों को UI पे रेंडर करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। सो मैं getbootstrap.com पे इधर आता हूँ और आप किसी भी तरह का कोई भी UI आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ बूटस्ट्रैप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत कॉमन है और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, यू नो, बिकॉज मुझे सर्टन तरह का UI चाहिए इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। पर आप कोई भी UI आप जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर गेट स्टार्ट बटन पर क्लिक करके मैं इधर आया हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ये CSS सेक्शन कॉपी कर लूँगा बिकॉज मुझे यहाँ पर JavaScript नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई लॉजिक या उस तरह का चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ UI के लिए इसको यूज़ करना है, दैट्स इट। ओके और मैं यहाँ पर इंडेक्स और HTML में इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर इस हेड टैग के अंदर अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो अभी बूटस्ट्रैप अवेलेबल है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी ये देखने के लिए कि बूटस्ट्रैप प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर लिस्ट ग्रुप करके मैं सर्च करता हूँ। ओके और लिस्ट ग्रुप दिख रहा है, तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इंडेक्स और HTML में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अगर बूटस्ट्रैप अवेलेबल है तो इस पर्टिकुलर CSS क्लासेस है, लिस्ट ग्रुप आइटम, ये सब CSS क्लासेस बूटस्ट्रैप पे आ रही हैं, बूटस्ट्रैप से आ रही हैं, तो हम लोगों को ये क्लासेस प्रॉपरली मिल जाएगी अगर बूटस्ट्रैप प्रॉपरली लोडेड है। तो अब यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब वो जो है पूरा UI आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पैडिंग और ये सब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि बूटस्ट्रैप प्रॉपरली इधर लोड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस लिंक को यहाँ कमेंट कर दूंगा, इधर ओपन करूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं प्रॉपर UI दिखाएगा नहीं, मतलब बूटस्ट्रैप अभी नहीं है क्योंकि ये बूटस्ट्रैप हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली लोड कर रहे हैं तो इसलिए वो अवेलेबल है और यहाँ पर वो प्रॉपरली रेंडर हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर LI को अभी आइडिया ये है अभी हम लोगों को करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने API कॉल किया और डेटा हम लोगों को मिल गया। सो अभी ये है कि हम लोगों को एक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या हम लोगों को करना है, क्रिएट लिस्ट आइटम, ठीक है। और ये लिस्ट जब आइटम क्रिएट हो जाए तो उसके बाद में हम लोगों को ऐड करना है टू द डॉम, ठीक है। सो हम लोग के पास ये दो टास्क है, पहले हम लोग लिस्ट आइटम क्रिएट करें और उसको डॉम में ऐड करें। सो अभी लिस्ट आइटम किस तरीके से क्रिएट करें और कहाँ क्रिएट करें, तो याद रखें कि अगर आप यहाँ पर कोड लिखोगे ये कोड आपको प्रॉपर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हम लोग को रिस्पॉन्स एसिंक्रोनस कॉल है ये, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर मिला है इस देन के अंदर, ठीक है। सो हम लोगों को ये जो क्रिएट आइटम लिस्ट और ऐड टू द डॉम ये जो कोड लिखना है वो इस देन फंक्शन के अंदर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नहीं लिख सकते बिकॉज हम लोगों को अवेलेबल नहीं है, वो हम लोगों को यहाँ ही अवेलेबल मिलता है ये रिस्पॉन्स से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर भी कोड लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, या फिर आप कोड यहाँ लिख सकते हैं पर वो फंक्शन कॉल आप यहाँ करना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोगों को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक फंक्शन में बनाता हूँ और वो फंक्शन का जो कॉल है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग,
क्रिएट लिस्ट आइटम, ओके। और ये फंक्शन को हम लोगों को रिस्पांस में पैराम जो रिस्पांस है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये क्रिएट लिस्ट आइटम जो फंक्शन है यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर रिस्पांस पास कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसको कट करके मैं कट कर देता हूँ। और जो ये क्रिएट लिस्ट आइटम जो है इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करके देखते हैं कि वो ना हम लोगों को प्रॉपर यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, और मैं यहाँ पर उसको रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। ग्रेट, तो मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर रिस्पांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिलहाल के लिए जो एल आई जो है मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देख सकते हैं प्रॉपर वो HTML भी यहाँ से चले गया और हम लोग को रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को एक एल आई क्रिएट करना है जो सेम वहाँ पर था, जो एल आई यहाँ पर है। गेट बूटस्ट्रैप पे मैं आ जाता हूँ और ये सेम एल आई मुझे क्रिएट करना है। और यहाँ पर हम लोगों को क्लासेस भी उसी ये अप्लाई करनी है जो यहाँ पर है, और हम लोगों का अंदर टेक्स्ट भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हम लोगों को ऐड करना है, तो वो देखते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर रिस्पॉन्स से आप आओगे यहाँ पर डेटा के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक टाइटल करके है जो उस टेक्स्ट के अंदर हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स हमें एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है, तब इसके अंदर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फॉर इच यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर और इसके अंदर मैं एक फंक्शन यहाँ पर पास कर दूँगा बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कंसोल लॉग में ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये जो रिस्पॉन्स एक पूरा ऑब्जेक्ट है, उस पर डेटा एक एरे है जिस पर हम लोगों को लूप ओवर होना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस पैरामीटर में यहाँ पर लिस्ट आइटम होगा जो हम लोग फाइनली यहाँ पर कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिस्ट आइटम। और मैं आके यहाँ रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं ईच इंडिविजुअल यहाँ पर एल आई यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके अंदर टाइटल है जो हम लोग एज अ कंटेंट उस एल आई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पर क्रिएट करते हैं एल आई को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एल आई, और हम लोग किसी भी डोम एलिमेंट को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और यहाँ पर हम लोग जो है कुछ उस पर्टिकुलर टैग का नाम पास करेंगे जो हमें क्रिएट करना है, हमें एल आई क्रिएट करना है तो हम एल आई पास कर रहे हैं, ठीक है। और वो इस पर्टिकुलर एल आई में आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर एल आई डॉट इनर एचटीएमएल हम लोग यूज़ करेंगे, और इनर एचटीएमएल हम लोग यहाँ पर क्या पास करना है, लिस्ट आइटम डॉट टाइटल जो हम लोग वहाँ पर देख पाए। अभी हमने एल आई क्रिएट कर दिया है और हम लोग फाइनली जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिस्ट ग्रुप में हम लोग अपेंड करना चाहते हैं या उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर मैं पास करूँगा लिस्ट ग्रुप जो उस क्लास का नाम है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपेंड चाइल्ड, और वहाँ पर मैं एक एल आई यहाँ पर पास कर दूँगा, ठीक है। सो जो एल आई अभी हमने क्रिएट किया था वो हम लोग इस लिस्ट ग्रुप में एक 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 जैसे हम लोग उसको क्रिएट करें वैसे वैसे उसको डॉम में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट करने के बाद में और हम लोग उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एल आई क्रिएट किया, फिर हमने उसका इनर एचटीएमएल चेंज करके हमने टाइटल उसमें ऐड कर दिया, और फाइनली हम लोग जो है उस लिस्ट ग्रुप में एक एक करके हम लोग ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पर, ओके। सो अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है तो रिफ्रेश करने पर हमें वो दिखना चाहिए, ओके। आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और इधर एलिमेंट टैब्स में आता हूँ और इधर मैं इंस्पेक्ट ये उस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं डॉप को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएल के अंदर और सब ईच इंडिविजुअल एल आई यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। पर इसका यूआई आपको अच्छा नहीं दिख रहा है बिकॉज इस पर क्लासेस ऐड नहीं है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ग्रुप है पर लिस्ट ग्रुप आइटम क्लास नहीं है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप में यहाँ पर ये जो लिस्ट क्लास आइटम है ये नहीं है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको याद है तो हम लोग एट्रीब्यूट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा है तो हम लोग जो है एल आई में यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट एट्रीब्यूट में मैं पास करूँगा मुझे क्लास चाहिए, और क्लास जो मुझे ऐड करना है वो है लिस्ट ग्रुप आइटम, ओके। तो ये क्लास अभी इस एल आई पर ऐड हो जाएगा और उसको सी एस एस क्लासेस लग जाएंगी जो बूटस्ट्रैप से अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं रिफ्रेश मारूँगा, आप देख सकते हैं यूआई थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा दिखने लगेगा, ओके। तो इसको थोड़ा सा सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स और एचटीएमएल में मैं इसको यहाँ पर एक मैं डिव यहाँ पर बना देता हूँ, और इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर जो कि एक बूटस्ट्रैप क्लास है, उनको सेंटर में ये लेकर आ जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं यहाँ पर यूएल पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, तो हम लोग को प्रॉपरली देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आप पूरा लिस्ट यहाँ पर प्रॉपरली रेंडर हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको फाइनली रेंडर कर पाए। अभी हम लोग को यहाँ पर एक बैच के तौर पे बताना है कि इसका आप देख सकते हैं कि कंसोल में
अगर मैं यहाँ नेटवर्क टैब में आता, सॉरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे रिक्वेस्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमें कंसोल में आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट्स भी होती हैं, तो ये पॉइंट्स हम लोगों को दिखाना। सो वो कैसे दिखा सकते हैं, सो बूटस्ट्रैप में मैं आता हूँ, यहाँ पर एक यूआई है वो है बैच का। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैचेस देने के लिए मुझे यहाँ पर एक स्पैन बनाना होगा, और उस स्पैन को हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स दी हुए, स्पैन में हमें क्लास देना पड़ेगा बैच और बैच प्राइमरी, ठीक है। सो उसके लिए मैं बैच प्राइमरी यूज़ करता हूँ, तो ये हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा स्पैन टैग, जिसके क्लास हम लोगों को बैच और बैच प्राइमरी देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों को नंबर दे सकते हैं, जो नंबर हम लोग जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट्स में। सो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इधर कस्टमर जैसे आप देख सकते हैं हम लोग एल आई बना दिए, तो उस एल आई के अंदर हम लोगों को जो है ये स्पैन टैग ऐड करना है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर हम मैं एक कमेंट कर देता हूँ, ये हम लोग यहाँ पर क्रिएट करें लिस्ट आइटम, और यहाँ पर मैं अभी करना चाहता हूँ क्रिएट बैच, ठीक है। सो बैच क्रिएट करने के लिए हमने देखा कि इस हम लोग को स्पैन बनाना है, और मैं उसके लिए यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम लोगों को बनाना है स्पैन, ठीक है। और ये स्पैन में हम लोगों को यहाँ पर क्लासेस देनी है, वो ये बैच और बैच प्राइमरी, ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्लासेस है, सो जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्पैन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट कौन सा सेट करना है हमें, क्लास, और उसका वैल्यू क्या हमको देना है, वैल्यू यहाँ पर है बैच और बैच प्राइमरी, ठीक है। सो वो हम लोग देंगे बैच, देते हैं बैच प्राइमरी। अभी हम लोगों को ये स्पैन हमने क्रिएट कर दिया है, पर हम लोगों को इसको अपेंड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एल आई पे, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड और वो स्पैन में इधर ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एल आई क्रिएट किया, उसका हमने फिर अंदर स्पैन क्रिएट किया, और ये स्पैन हमने एल आई को अटैच कर दिया, ठीक है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ होगा नहीं, बिकॉज स्पैन में भी हमें इनर एचटीएमएल देना पड़ेगा, ताकि हम लोग बता सकें कि अंदर कंटेंट क्या दिखना है। सो वो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे लिस्ट आइटम डॉट पॉइंट्स, जो हम लोग ऊपर देख पा रहे थे, ठीक है। सो सेव करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ, और यहाँ मैं रिफ़्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पॉइंट्स हर एक का दिखाई दे रहा है, ओके, आप देख सकते हैं। अगर आपको इधर आगे दिखाना होता, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में हो रहा है, पर अगर आपको आगे दिखाना है, इधर आपको दिखाना है, तो हम लोग को अपेंड नहीं प्रिपेंड करना पड़ेगा। प्रिपेंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को आगे ऐड करना है, अपेंड तब यूज़ करते हैं हम लोग को सब लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। सो हम लोगों को अगर लेट सपोज अपेंड की जगह यहाँ पर मैं प्रिपेंड यूज़ कर सकता हूँ, प्रिपेंड, और सेव करता हूँ, और फिर अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वन इधर नहीं आगे दिखाई देगा। मैं रिफ़्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं आगे दिखाई देगा, क्योंकि सब उसने प्रिपेंड कर दिया, ओके। सो अब वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अभी फाइनली हम लोगों को चाहिए कि इस लिंक पे क्लिक होके वो कहीं रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अभी याद रखें कि सबसे पहले हम लोगों को एक हमने एल आई क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो अभी हम लोगों को चाहिए कि एंकर टैग चाहिए, उस एंकर टैग के क्लिक के ऊपर वो उस पर्टिकुलर यू आर एल पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। यू आर एल कहाँ से आएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्स में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक यू आर एल भी है, तो उस यू आर एल पे मुझे रिडायरेक्ट करना है। तो वहाँ पर रिडायरेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक एंकर टैग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं उसका नाम देता हूँ एंकर, ओके। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर मैं ए पास कर दूँ, बिकॉज हम लोग को एंकर टैग क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखें कि एल आई सबसे पेरेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक हम लोग को एच टी एम एल किस तरीके से चाहिए वो आप इमेजिन कर लें। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि इस तरीके से एल आई चाहिए, ओके, और उसके अंदर हमें एक एंकर टैग चाहिए, ठीक है, जिस पे वो यू आर एल होगा जहाँ पर हमें रिडायरेक्ट करना है, और उसके अंदर हम लोगों को टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों को वो बैच चाहिए जो आपको दिखाई दे, राइट। सो एल आई सबका पेरेंट है, उसके अंदर जो है एंकर टैग है जो सबका सिबलिंग है, बिकॉज उसके क्लिक के ऊपर ही हमें रिडायरेक्ट करना है, और उसके अंदर ये यहाँ पर लिस्ट आइटम है जो टेक्स्ट है हमको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पॉइंट है। तो हम लोगों को ये जो रैप अंदर किए हैं वो हम लोग को एल आई जो है इसको रैप करना पड़ेगा एल आई एंकर टैग से, ताकि वो हर एक के क्लिक के ऊपर रिडायरेक्ट हो सके, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता चला कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो हमने यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट किया, और इस एंकर टैग को हम लोग यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट जो हम लोग यहाँ पर सेट करना है वो एचरेफ है, और वो एचरेफ हमें क्लियर करना है वो लिस्ट आइटम डॉट यू आर एल जो हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों को उसको रिडायरेक्ट करना है।
अभी जो है जो भी अपेंड हमने किया है, जो लिस्ट आइटम जो यहाँ पर ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये एलआई पे हम लोग नहीं कर सकते, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एंकर डॉट इनर एचटीएमएल, बिकॉज हम लोग को इसको ऐड करना है अभी, जैसे हमने एग्जाम्पल अपना देखा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा है, सो ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है इस एंकर के अंदर है, एलआई के अंदर नहीं, एलआई के अंदर तो अभी सिर्फ एंकर है, दैट्स इट, उसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर बैच ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एंकर में मैंने वो एलआई टाइटल ऐड कर दिया है। अभी इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो हम लोग ऐड कर रहे थे, मैं फिलहाल यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर एलआई में को मैं अपेंड करूँगा जो एंकर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और अभी मैं इसको एक फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ ताकि हम लोग देख सकें कि एटलीस्ट एल आई और एंकर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आपस में। ओके, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल आई प्रॉपर रेंडर हो गया और उसके अंदर एंकर भी प्रॉपर रेंडर हो रहा है विच एच रेफ और प्रॉपर यू आर एल के साथ। अभी हम लोग अंदर एल आई भी यहाँ पर प्रॉपरली जो टाइटल था वो प्रॉपरली यहाँ पर रेंडर हो गया है, बस हमें जो है एंकर के अंदर प्रिपेंड कर देना है बैच जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बैच को मैं अनकमेंट कर देता हूँ फिर से, और जो ये बैच एंकर जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसको हम लोगों को ये स्पैन जो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये क्रिएट बैच जो कोड है मैं कट करके यहाँ पर मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, बिकॉज हम लोगों को अब जो ये स्पैन क्रिएट हो गया है यह हम लोग को इसके अंदर अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इधर एंकर डॉट अपेंड चाइल्ड, ओके, अगर हम लोग पहले ऐड करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिपेंड, वहाँ पर हम लोग ये स्पैन पास कर देंगे जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं प्रॉपरली रेंडर हो गया, ग्रेट। तो अभी इसके क्लिक के ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, पर हम लोग को लेट्स अप आप देख सकते हैं उसी टैब में वो हो गया, पर हम लोग को नए टैब में अगर करना है तो उसके लिए हम लोगों को जो है एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है टारगेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एंकर टैग में यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करूँगा एंकर डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में पास करूँगा टारगेट और यहाँ पर मैं पास करूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक ताकि वो नया टैब में ओपन हो, ठीक है। सो यहाँ पर टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक देने से वो नए टैब में ओपन होएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये जो यहाँ पर डमी एचटीएमएल है मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ओके। और यहाँ पर आके अब इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं और मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं नए टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, ये वीडियो में बस इतना ही, और यहाँ आप देख सकते हैं इसको काफ़ी यूआई आप अच्छा कर सकते हो, यहाँ थोड़ा स्पेसिंग दे सकते हो, उसको थोड़ा सेंटर में ला सकते हो, तो काफ़ी यूआई पे आप वर्क कर सकते हो। सो वो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, आप यहाँ पर इस वीडियो के बाद में इसको थोड़ा यूआई प्रॉपर करें, और थोड़ा सा आपको देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी और भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, अगर इस ओपन में करूँगा यहाँ पर काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स और भी हैं यहाँ पर, जैसे टाइम ऑफ गो, कमेंट काउंट, यू नो टाइप, इस तरह के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक नए प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे जहाँ पर हम लोग फॉर्म्स और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ओके। सो ये वीडियो काफ़ी बड़ा था, इस तरह का वीडियो मैंने काफ़ी बड़ा वीडियो पहले बनाया नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। बाय गाइज़।